नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल सोनू टेक। दोस्तों आज मैं आपको इलेक्ट्रिकल वायरिंग में वायर खींचना सिखाऊंगा। दोस्तों आज मैं आपको वायर खींचने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, जिसमें जो है आपका वायर भी वेस्टेज नहीं होगा और बहुत ही कम समय में पूरा वायर खींच जाएगा। तो जानकारी के लिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से लास्ट तक, और चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की टेक्निकल जानकारी पाने के लिए इलेक्ट्रिकल का और प्लम्बिंग का। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये दूसरा वाला रूम है, यहाँ पे देखिए वायर डाला जा रहा है, और ये जो सर्किट है दोस्तों किचन का और ये पहले वाले रूम का सर्किट है। यहाँ पे देखिए इसमें 8 वायर दिखाई दे रहा है। ये देखिए इसमें टोटल 2 सर्किट है, एक सर्किट में 4 वायर है, यानी कि न्यूट्रल, फेज, इन्वर्टर और अर्थ। ठीक है, उसी तरह से दूसरे वाले सर्किट में भी है न्यूट्रल, फेज, इन्वर्टर और अर्थ। अर्थ के लिए दोस्तों 1 स्क्वायर mm का वायर डाला जा रहा है। ये डोमेस्टिक में छोटे छोटे लोड के लिए 1 स्क्वायर mm का अर्थ के लिए काफ़ी होता है, और अगर ज़्यादा लोड वाला कोई भी अप्लायंसेज है तो उसके लिए एक्स्ट्रा अर्थ डालना होता है, जिसको 1.5 स्क्वायर mm या ज़रूरत के हिसाब से 2.5 स्क्वायर mm भी अर्थ के लिए डाला जाता है। तो अभी ये जो है दोस्तों, ये किचन का और बाथरूम का और पहले वाले रूम का सर्किट है। ये इसमें 2 सर्किट आ रहा है, और उसके बाद इसका सर्किट हम अलग से उठाएंगे इस रूम का। तो यहाँ पे रूम में देखिए, अभी ये फैन बॉक्स में आके निकला हुआ है। ठीक है, और यहाँ कोने कोने पे 2 कैंसिल लाइट है, एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दूसरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद वो तीसरा वहाँ पे दिखाई दे रहा है और चौथा वहाँ पे है। तो दोस्तों इसमें जो है चोक है, ठीक है, पाइप जो है ब्लॉकेज हो गया है, इसके अंदर मसाला चला गया था, तो इसलिए दोस्तों इसका रूट मैं चेंज किया हूँ। वहाँ से देखिए कैंसिल बॉक्स से ये कटा हुआ है। ठीक है, कैंसिल बॉक्स से कटिंग होकर यहाँ पे ये जो जंक्शन दिखाई दे रहा है, जंक्शन में मैं कट करके मिला दिया हूँ इसको, क्योंकि ये जो दोस्तों ये जो पाइप दिख रहा है जंक्शन में, ये ब्लॉक हो चुका है। ठीक है, ये यहाँ से फैन बॉक्स के रास्ते आया हुआ था, यहाँ से इस तरह से यहाँ पे देखिए, तो ये अभी इस टाइम ब्लॉकेज हो चुका है इसका। तो अभी मैं ये फैन के पॉइंट को और बाकी जो 4 लाइट दिखाई दे रहा है इसको मैं इसके रास्ते यहाँ पे लूंगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से डाउन होके यहाँ से इधर पाइप आया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे ये बॉक्स दिखाई दे रहा है, बोर्ड इसमें आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से देखिए एक पाइप ये दिखाई दे रहा है, नीचे की तरफ गया हुआ है। तो दोस्तों ये जो है यहाँ पे आ जा रहा है, ये देखिए यहाँ पे मैं 8 मॉड्यूल का बोर्ड फिक्स किया हूँ। यहाँ पे बेड आएगा, बेड वाला एरिया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए विंडो है, और यहाँ पे मैं बेड के लिए बोर्ड दिया हूँ, यहाँ पे लैपटॉप वगैरह या फिर मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो सर्किट दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसको सीधा मैं ये फैन बॉक्स के रास्ते मेन डीबी में निकालूंगा। उसके बाद इस रूम का वायरिंग करते हुए यहाँ से वायर हम उठाएंगे, ये देखिए ये टीवी का बोर्ड दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ से उठाऊंगा इसको मैं, उसके बाद यहाँ पे डालूंगा, इसमें आएगा ये वाला जो बोर्ड है। ठीक है, फिर यहाँ से वो उस बोर्ड में चला जाएगा जो बेड वाला बोर्ड है। और दोस्तों इसमें ब्लॉकेज काफ़ी ज़्यादा हुआ था, फैन बॉक्स भी ब्लॉक हो चुका था। यहाँ से देखिए मैं फैन बॉक्स में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ये देखिए ऊपर का हिस्सा दिखाई दे रहा है, होल दिख रहा है। ठीक है, फैन बॉक्स को पूरा तोड़ दिया गया है छत के ऊपर से। ठीक है, ब्लॉकेज को रिपेयर करने के लिए, और वो देखिए वहाँ पर जो कैंसिल दिखाई दे रहा है वहाँ भी कट मारा गया है। ठीक है, क्योंकि ब्लॉकेज हो चुका था पूरा। और ये जो है दोस्तों कोई नया इलेक्ट्रीशियन रहा होगा या फिर कोई ना कोई कमी होगी, इसलिए ये ब्लॉकेज आया है। ये देखिए दोस्तों, ये इस तरह का ब्लॉकेज आया था इसके अंदर, कैंसिल बॉक्स से इसमें लाइट लगेगा तो ये ब्लॉक हो चुका था। ये देखिए ये पाइप दिख रहा है, ठीक है, यहाँ से ये पूरा ब्लॉक हो चुका था। अभी भी देखिए हल्का सा यहाँ पे कंक्रीट दिख रहा है, ये देखिए इसके अंदर चला गया था। तो ये लापरवाही होती है जो नए इलेक्ट्रीशियन होते हैं, ठीक है, उनकी वजह से ऐसा होता है। तो इस ब्लॉकेज को आप इस तरह से रिपेयर कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा है, देखिए जैसे यहाँ पे कैंसिल बॉक्स दिखाई दे रहा है और यहाँ से मैं कट करके रिपेयर किया हूँ इसको। ठीक है, और अगर ब्लॉकेज यही जगह ज़्यादा रहता है, मान लीजिए ये फैन बॉक्स है, ठीक है, फैन बॉक्स से अगर यहाँ तक पूरा ब्लॉकेज होता यानी कि 2 मीटर से ज़्यादा, तो फिर इसको जो है दोस्तों छत के ऊपर से कट करके पाइप यहाँ से डाल सकते हैं, वहाँ से होल करेंगे छत के ऊपर से फैन बॉक्स में, फिर वहाँ से उठा के इसमें डाल देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ब्लॉकेज को रिपेयर किया जाता है अगर ज़्यादा रहता है तब, और अगर थोड़ा सा है तो यहाँ से नीचे से ही सीलिंग को कट करके रिपेयर कर सकते हैं। इसमें वायर डालने के बाद दोस्तों इसको ऊपर से हम इसमें मसाला डाल के अच्छी तरह से भर देंगे, ताकि जो है इसमें लीकेज ना आए। तो दोस्तों आप लोग बने रहिए वीडियो में, देखिए मैं कैसे इसको वायर को खींच के बोर्ड तक पहुँचाता हूँ। वो कैंसिल्ड है, उसमें 2 वायर ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है, और इसमें भी 2 वायर दिखाई दे रहा है, न्यूट्रल और फेज यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। चारों लाइट का न्यूट्रल हम फैन बॉक्स में पहले इकट्ठा कर लेंगे,
ठीक है, वहां पे कट कर देंगे। उसके बाद वहां से सेपरेट एक न्यूट्रल डालेंगे बोर्ड तक, ये जो बोर्ड दिखाई दे रहा है यहाँ पे आएगा, उस लाइट का भी न्यूट्रल यहाँ पे कट कर दिया हूँ मैं, और इस लाइट का न्यूट्रल भी यहाँ पे कट कर दिया हूँ मैं, ठीक है। और उसी तरह से जो आगे वाला दिखाई दे रहा है वो, उसका न्यूट्रल भी यहाँ पे हम कट करके छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ से एक न्यूट्रल उठाएंगे, उसके बाद यहाँ से हम पूरे वायर को सबको वहाँ पे ले जाएंगे। वहां से लाने के बाद दोस्तों ये जंक्शन में आएगा, जंक्शन के रास्ते बोर्ड तक आएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप देखिए, इस रूम के सर्किट के लिए ये वायर यहाँ से फैन बॉक्स से डाला जा रहा है। वहाँ पे एक जंक्शन है, ये देखिए वो जंक्शन दिखाई दे रहा है, उस जंक्शन में आएगा। उस जंक्शन के रास्ते यहाँ पे जो टीवी का बोर्ड दिखाई दे रहा है इसमें आएगा। उसके बाद फिर यहीं से लूप होके दोस्तों वायर ये फैन बॉक्स के रास्ते वहाँ पे आएगा, ठीक है। वहाँ से उसके बाद ये बोर्ड में आ जाएगा, इसमें जो बोर्ड दिखाई दे रहा है। देखिए अभी वायर को खींचा जा रहा है, लड़का खींच रहा है, तो ये वायर दोस्तों वहां से यहां तक आएगा। स्टील वायर की मदद से ये वायर को खींचा जा रहा है, ठीक है। स्टील वायर से भी खींचा जाता है और कर्टन राड से भी खींचा जाता है, स्प्रिंग वायर से, ठीक है। लेकिन अगर वायर ज्यादा हो तो स्प्रिंग वायर उसमें काम नहीं करता है, फैल जाता है। हो गया, तो देखिए अभी ये यहाँ तक पहुँच गया है, और बोर्ड तक हम इसको मेजरिंग कर लेंगे कि कितना हमको लंबा रखना है। ये बोर्ड से कम 1.5 फीट तक लटकना चाहिए, ठीक है, और ज़्यादा एक्स्ट्रा भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो वेस्टेज ज़्यादा हो जाता है। और उसके बाद दोस्तों आप उस वायर को हम इस बोर्ड में उतार लेंगे, ये देखिए वहां से वो डाल रहा लड़का, उसके बाद वायर यहाँ पे आ जाएगा इस बोर्ड में। ये देखिए वहां पे आ गया है, चलिए मैं खींच लेता हूँ इसको। देखिए अभी वायर इतना लटक रहा है, ठीक है, इतना, तो इससे थोड़ा सा कम रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, इतना लंबा रख सकते हैं। ये देखिए जहां से मेरा फिंगर दिखाई दे रहा है इस बोर्ड से, इतना यानी कि 1.5 फीट रख सकते हैं बोर्ड से नीचे। तो अभी देखिए इसको मैं थोड़ा सा वापस खिंचवा दिया हूँ, ठीक है। देखिए अभी ये इतना लटक रहा है, तो ये सही है। उसके बाद दोस्तों अब हम इस वायर को, ये जो वायर दिखाई दे रहा है ये वाला, ये देखिए जो मेरे हाथ में ये वाला जो उस बोर्ड से जो है लूप होके आया है सप्लाई, और ये जो लाइट का हाफ है ये, ठीक है, न्यूट्रल तो यहीं पे रोक देंगे, लेकिन हाफ जो है दोस्तों अब वहां से इधर डालूंगा मैं, यहाँ पे आके निकलेगा। उसके बाद दोस्तों अब इस वायर को यहाँ पे पहुंचाने के लिए, ये देखिए वहां से स्टील वायर डाला जा रहा है, उसके बाद इस वायर को हम यहाँ पे खींचेंगे। अभी नहीं आया, डालो ना, ये देखिए अब यहाँ पे आ गया। वहां से वो लड़का वायर डाला है स्टील वायर, उसके बाद ये यहाँ पे निकला है। उसके बाद दोस्तों अभी ये वायर देखिए यहाँ से टेप हो रहा है, टेप होने के बाद वो स्टील वायर जो दिख रहा है उसमें टेप होगा, उसके बाद ये लड़का इसको खींचेगा स्टील वायर को, उसके बाद ये वायर जो है यहाँ से यहाँ पे आएगा। तो अभी ये टेपिंग हो चुका है, उसके बाद इसको हम यहाँ से खींचेंगे। यहाँ से हाथ से हल्का सा सपोर्ट देंगे, उसके बाद ये खींचेगा जब वायर, तो ये वायर जो है दोस्तों वहाँ पे आएगा। देखिए इस तरह से हल्का हल्का हाथ से सिर्फ इशारा करना है, और उसके बाद यहाँ से जब खींचेंगे तो ये वायर यहाँ पे आएगा। तो देखिए दोस्तों अभी ये वायर यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आ गया। इस वायर को मैं यहाँ से पूरा खींचूंगा, यहाँ पे नीचे सबसे पहले खींच लेना है। देखिए दोस्तों इस तरह से खींचते रहना है, और वहां भी ध्यान देना है ताकि वायर जो है फोल्ड नहीं होना चाहिए। जब वायर अगर फोल्ड हो जाता है तो वहां पे गर्म होता है वायर। तो अभी दोस्तों ये वायर पूरा यहाँ तक आ चुका है, ये देखिए नीचे लटक रहा है। और उसके बाद ये जो बंडल वाला वायर दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये अभी बंडल में है, उसके बाद वो लड़का उसको मेजरिंग कर रहा है, ठीक है। वो मेजरिंग करने के बाद ये सर्किट वाला वायर है, ठीक है, मेजरिंग करने के बाद यहाँ से सर्किट उठेगा दोस्तों। अब यहाँ से 3 सर्किट हो जाएगा,
एक इस रूम का सर्किट और जो है बाकी दो पहले से है, किचन वाला लैट्रिन बाथरूम वाला। टोटल अब यहाँ से तीन सर्किट होगा और ये तीन सर्किट रूम के दोस्तों फैन बॉक्स में दूसरा पाइप पड़ा हुआ है, सीधा वो दूसरे रूम में जाके निकलेगा, ठीक है। उसके रास्ते ये मेन डीबी तक जाएगा ये वायर सर्किट वाला। उसके बाद दोस्तों अभी ये वायर को यहाँ पे खींच लिया गया है पूरा, इसको हम यहाँ पे लाएंगे, इस बोर्ड के रास्ते यहाँ से पाइप है इसमें आएगा। लेकिन इससे पहले दोस्तों अभी ये सीढ़ी यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो सर्किट है दोस्तों, दो सर्किट पुराना वाला और एक इस रूम का सर्किट, यहाँ पे स्टील वायर डाल दिया गया है पहले दूसरे वाले रूम से, इसके साइड वाला जो रूम है वहाँ से यहाँ डाला गया स्टील वायर। इसको हम अब ले जाएंगे उस रूम में दोस्तों, ठीक है। उसके बाद फिर ये वायर को यहाँ पे डाला जाएगा। तो अभी देखिए दोस्तों, अभी ये वायर को खींचा जा रहा है, यहाँ पे हल्का सा इशारा कर देना है पाइप पे, क्योंकि टकराता है दोस्तों जहाँ पे कट हुआ रहता है फैन बॉक्स में। हाँ निकालो, खींचो, ये देखिए अभी इस तरह से पुलिंग हो रहा है वायर। खींचो दीपक, ये देखिए पुलिंग हो रहा है, पहुंचने वाला है। यहाँ पे वायर को थोड़ा सा लेवल कर लेना है, उसके बाद इसको फिर खींच लेना है ताकि एक ही बार में ये खींच जाए। खींचो दीपक, ये देखिए पूरा वायर एक ही झटके में खींच गया, ठीक है। रुक जाओ, देखिए अभी ये पूरा खींच चुका है, ठीक है। और वायर को देख लेना है, वायर के ऊपर वायर चढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए। चलिए मैं आपको करीब से दिखाता हूँ, ये देखिए इस तरह से वायर पूरा खींच चुका है, ठीक है। और कोई भी वायर एक दूसरे के ऊपर से ज़्यादा चढ़ा हुआ होना नहीं चाहिए, अगर टाइट वायर हो तो इसको हल्का सा लूज कर देना चाहिए। और ये जो है दोस्तों, अभी देखिए यहाँ पे ये टोटल न्यूट्रल वायर है, ये देखिए न्यूट्रल को हम यहाँ पे इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे। और ये जो ब्लैक वाला दिख रहा है दोस्तों, ये सेपरेट न्यूट्रल है, यहाँ से डाला गया है, ये इसके साथ में जितना वायर है सब ये ब्लैक वाला अटैच होगा। इसमें जितना भी न्यूट्रल आया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे टोटल ये देखिए कंसील लाइट का चारों न्यूट्रल है, एक वहाँ पे है और एक वो है दो और एक ये है तीन, ठीक है। उसके बाद एक फैन बॉक्स का, सब न्यूट्रल को वहाँ पे लूप करके उसके बाद एक न्यूट्रल ऑलरेडी ये जो ब्लैक वाला लटक रहा है दोस्तों, यहाँ से डाल दिया गया है दोस्तों। यहाँ से ये फैन बॉक्स से पूरा वायर खींच चुका है। उसके बाद दोस्तों अब इस वायर को जो लटक रहा है, इसको मैं इस बोर्ड में उतारूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों इसके साथ में ये कैंसिल जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे न्यूट्रल फेज इसका भी यहाँ से ले लेना है, क्योंकि दोस्तों ये जो है इसका रास्ता यहाँ से ब्लॉक हो चुका था, ये फैन बॉक्स से यहाँ तक ये ब्लॉक हो चुका था। तो इसको मैं यहाँ से कटिंग करवा के इसका रूट तैयार किया हूँ, ताकि ये कैंसिल का वायर दोस्तों ये जंक्शन बॉक्स के रास्ते होता हुआ यहाँ बोर्ड तक आ सके। तो देखिए दोस्तों, अब इस वायर को भी जो है हम इस बोर्ड में खींच रहे हैं, यहाँ से स्टील वायर डाला गया है वहाँ तक। तो दोस्तों अभी इस वायर को भी मैं यहाँ से खींच के यहाँ पे पहुँचा दिया हूँ, वायर यहाँ पे आ चुका है और इस रूम का वायरिंग पूरा कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले दोस्तों यहीं से वायर जो है सप्लाई, यहाँ से इसके रास्ते ये फैन बॉक्स में आया, फैन बॉक्स से फिर यहाँ पे आया, वहाँ से होके दोस्तों इस बोर्ड में आया है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों इस रूम का सर्किट भी यहीं से उठा हुआ है, यहाँ से होके ये फैन बॉक्स में आया, फैन बॉक्स से सीधा उस रूम में गया है। अभी चलिए उस रूम में मैं दिखाता हूँ सर्किट। अभी उसके बाद दोस्तों इस बोर्ड से हम इस बोर्ड में सप्लाई देंगे, ये वाला जो है दोस्तों ये बेड वाला बोर्ड है, ठीक है। इसमें सप्लाई दूंगा मैं न्यूट्रल फेज इन्वर्टर, अर्थ इस बोर्ड से यहाँ पे आएगा। तो अभी देखिए दोस्तों, ये वाला जो है लास्ट रूम है, ये तीसरा रूम है, ठीक है। और पूरा सर्किट जो है तीन सर्किट अब यहाँ पे रुक गया है आके, उसके बाद इस सर्किट को हम मेन डीबी में पहुँचाएंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इससे पहले जो वायर खींचा गया है किचन का और बाथरूम का, इसी तरह से खींचा गया है जैसे मैं दिखाया हूँ। और दोस्तों आगे भी जो तीसरा रूम है उसका भी इसी तरह से खींचा जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो वो सर्किट मैं दिखाया हूँ जो लटक रहा है, उसको मेन डीबी में पहुँचाएगा। डीबी इंस्टॉलेशन का कनेक्शन कैसे किया जाता है मैं करके दिखाऊंगा आपको। तो दोस्तों आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और जो मैं समझाया हूँ सब कुछ समझ में आया होगा। अगर समझने में कहीं पे कोई प्रॉब्लम हुआ है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई करूंगा मैं। और आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की टेक्निकल जानकारी पाने के लिए, इलेक्ट्रिकल का और प्लम्बिंग का। दोस्तों मैं फिर मिलूंगा किसी अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।